बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते रहते हैं, सर कौन सी ऐसी स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ जाएं। और आज मैं एक आपके साथ स्किल डिस्कस करूंगा जो आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कई सोचते हैं अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आती होनी चाहिए, अच्छी फैमिली से होना चाहिए, अच्छी डिग्री वाला होना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक स्किल जो पिछले 10 साल से जब भी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं उसी स्किल की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस पर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। और उस स्किल का नाम है, प्लीज क्या नाम है उस स्किल का, दिखाइएगा सर, हैं आप यहां? उस स्किल का नाम है पागलपन, फायर, भूख और प्यास। पागलपन, भूख, फायर और प्यास। और ये स्किल, सॉरी टू से, ना तो पागलपन आपके घर वाले आपके अंदर पैदा कर सकते हैं, ना ही कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके अंदर फायर पैदा कर सकती है, ना ही आपका सीनियर आपके अंदर भूख जगा सकता है, और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच आपको बहुत ज्यादा प्यासा बना सकता है। कोई नहीं बना सकता, आई टेल यू। ये स्किल्स जो होती हैं, ये अंदर बंदे के पाई जाती हैं। चलो देखते हैं आगे। एक पिक्चर मैं यहां पे दिखाने वाला हूं आपको। कौन है बादशाह बॉलीवुड? मिस्टर शाहरुख खान। बादशाह बॉलीवुड मिस्टर शाहरुख खान, इनके बारे में ऐसी बात आपको बताऊंगा, हो सकता है आपने आज तक नहीं सुनी हो। ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था। पहले दिन जब ये मुंबई में लैंड किया, उतरा, खाने के लिए पैसे नहीं थे, सोने के लिए जगह नहीं थी, फुटपाथ पे सोया। लेकिन फुटपाथ पे सोए सोए भूखे पेट इसने अनाउंस किया, किसी को नहीं खुद को, क्या अनाउंस किया, एक दिन मैं इस शहर पे राज करूंगा, राज। और आज आप सब जानते हैं कि मुंबई पे पिछले 25-30 साल से कौन राज कर रहा है, बादशाह बॉलीवुड फुटपाथ पे सोया हुआ और बोल रहा है कि मुंबई पे राज करूंगा, खाने के लिए पैसे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पागलपन। पागलपन ही तो बोला जाता है, वो कौन सा कहीं से पढ़कर आया था, पागलपन की क्लास लेकर आया था, मेरे अंदर थोड़ा सा पागलपन डाल दो, नहीं लेके आया था ना। राइट ब्रदर्स क्या बोलते थे, बंद कमरे को हवा में उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, बंदा उड़ा देंगे। लेकिन लोग कहते थे पागल हो गए, लोगों ने तो बोला होगा वेरी गुड, ये जूर उड़ाएगा कमरा, लोग कहते थे पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इसका। उसके बाद थॉमस एडिसन, नाम तो सुना होगा, क्या बोलता था लोगों को, मैं सूरज की रोशनी को कमरे में बंद कर दूंगा। लोगों ने ये बोला वाह ये जूर करेगा, ऐसा ही बोला होगा ना, मेरे को लोग पागल बोलते, हम तो चाहते हैं तेरे को बोले, तेरे को तो सारे लोग समझदार बोल रहे हैं कि बंदा समझदारी बहुत है, बोलता था कि मैं सूरज की रोशनी को कमरे में बंद कर दूंगा,
क्या बनाया? बल्ब का आविष्कार किया। सोचिएगा, हम तो कोई आविष्कार भी करने वाले नहीं हैं, एक लड़की 2011 के अंदर चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने नीचे फेंक दिया, दूसरी पटरी पे गड़ी गिरी और ऊपर से दूसरी साइड से ट्रेन आ रही थी, पैर कट गया। सुबह हॉस्पिटल पहुंचाया गया उसको, और हॉस्पिटल के बेड पे लेटी लेटी क्या सोच रही है? हॉस्पिटल के बेड पे अरुणिमा सिन्हा लेटी लेटी क्या सोच रही है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। एक लेग आर्टिफिशियल है, दूसरी में रॉड है, स्पाइन में कई फ्रैक्चर हैं, पता नहीं है कि व्हीलचेयर पे भी वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। लेकिन इसको क्या बोलते, क्या बोलते इसको? कमान, से लवली कमान, क्या बोलते इसको? आपने सुना होगा, कोई भी बच्चा किसी भी काम को ज्यादा करता है, कोई बच्चा है वो सुबह शाम रात दिन क्रिकेट ही खेलता है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्रिकेट के पीछे पागल ही हो गया। कोई बच्चा दिन रात रात दिन पढ़ाई करता है, उसको बोलते हैं ये पढ़ाई के पीछे पागल ही हो गया। कोई बच्चा दिन रात रात दिन टीवी देखता है, उसको बोलते हैं ये टीवी के पीछे पागल ही हो गया। और हमें भी बोलते थे, जब हम लोगों को बोलते थे आज साइकिल है आने वाले वक्त में कार लेंगे, वो कहते थे पागल ही हो गया। हम भी बोलते थे एक आज अपने शहर के सबसे गरीब एरिया में रहते हैं, एक दिन अपने शहर के सबसे पॉश एरिया में गुरिंदर सिंह का घर होगा। लोग कहते थे खाने के पैसे तो है नहीं इसके पास। बता दूं आपको, अक्सर बड़ी बड़ी बातें करने वालों को लोग पागल बोलते हैं, शुदाई बोलते हैं, और पागल ही इस दुनिया पे राज करते हैं। ज्यादा ऐसी क्लैपिंग करो कि दो चार दस लोग कहें पागल हो गया। इस तरीके से करो, इस तरीके से डांस करो, लोग कहें पागल हो गया। इस तरीके से अपने काम करो, लोग कहें पागल हो गया। समझदारों ने सीट पर बैठ के कन्वेंशन देखी है और पागलों ने स्टेज से कन्वेंशन दिखाई है।